चाचा जी अब मंदिर जाइए लेकिन अभी मत जाइए, बॉस और वरुण से मिलने के बाद जाइए ना। हाँ चाचा जी, अगर आप चले गए तो बॉस और वरुण से कौन मिलेगा? हाँ। अरे अंजलि बेटा, वो दोनों तो 11 बजे आने वाले, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो? लेट होने की आदत तुझे और तेरे परम मित्र जेठिया को है, समझा? मुझे नहीं। चलो भाई। चाचा जी, गए चाचा जी, गए। किसका फोन है? गला दबाने वाले का फोन आ गया। बॉस का? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं जल्दी आ रहा हूँ? अरे अभी अटकले लगाना छोड़िए और फोन उठाइए। जी जी बॉस। भाई एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। किधर भी गड़बड़ हो गई है? तुम्हारे यहाँ भी गड़बड़ हो गई है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि किधर गड़बड़ हुई है सर? अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल कर दूं? अरे नहीं नहीं यार, शुभ शुभ बोल। बड़े गुरुजी से मीटिंग कैंसिल क्यों करवा रहा है? आपने तो कहा कि गड़बड़ हो गई है। अरे भाई गड़बड़ हुई है, पर इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है कि बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जावे। क्या हुआ है बॉस? भाई हुआ ये है कि देखो, पहले मैं वरुण के साथ तुम्हारे घर पे आने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे प्लान में चेंज हो गया। मतलब वरुण जी नहीं आ पा रहे? एक काम करते, बड़े गुरुजी का मीटिंग कैंसिल करते। अरे यार शांति रख यार, वो आ रहा है भाई, वो आ रहा है। देखो ऐसा है कि पहले मैं वरुण को अपने साथ तेरे घर पे लेके आने वाला था, लेकिन अभी मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी वरुण डायरेक्टली होटल से तेरे घर पे अपने आप आएगा। इसमें क्या गड़बड़ हुई है सर? अरे यार गड़बड़ ये है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहाँ पर मेट्रो का बहुत बड़ा काम चल रहा है यार। इतना ट्रैफिक जाम है, मैं टाइम पे आ ही नहीं पाऊंगा यार, इसलिए वरुण मेरे से पहले ही तेरे घर पे पहुँच जाएगा। हाँ, वो शार्प 11 बजे तेरे घर पे पहुंच जाएगा, हो सकता है उससे भी पहले पहुंच जावे, तो तू उसको अच्छे से रिसीव कर लेना, ओके? जी जी जी। तेरा वो सेक्रेटरी है ना, ओके, भीड़े भीड़े, उसे दूर रखना यार, वो बहुत बोर करता है, उसे दूर रखना, ऐसा ना हो कि उसे बोर होके वरुण भाग ही जावे। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और तेरा वो है ना, वो पत्रकार दोस्त जो जो खुद के लिए रिश्ते ढूंढता है, कुमारा लाल नहीं सर, पोपटलाल। पोपटलाल, उससे भी वरुण को दूर रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अगर बड़े गुरुजी आ जाएं और मैं ना पहुंच पाऊं तो अच्छे से वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवा देना। और याद रखना, वरुण की आज 4 बजे की फ्लाइट है, वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा वहां पर। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वरुण की 4 बजे की फ्लाइट, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बड़े गुरुजी भी टाइम पे बहुत पक्के हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, बड़े गुरुजी बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी एकदम टाइम का पक्का हूँ, फिर तो एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तू सुन, तू ठीक 10:45 बजे अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाना वरुण को रिसीव करने के लिए, नहीं वरुण इधर उधर ना हो जावे। उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर ले, नंबर है 2203। मैंने रख लिया, नंबर है 2203। गुड गुड, बाय 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 बाय। अंजलि, ये मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे। ऐसा हो गया कि 11 बजे से पहले वरुण आ गया और चाचा जी तब तक नहीं आए तो? तारक, थिंक पॉजिटिव, वरुण चाचा जी से पहले आ जाएंगे। मतलब चाचा जी वरुण से पहले आ जाएंगे। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 11 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा। 44 हो गए। पक्का तेज चल रही है अंजलि, ये घड़ी तेज चल रही है, अभी 10:44 हुए थे और इतनी जल्दी 10:45 हो गए। घड़ी बार बार देखने से वक्त रुकने नहीं वाला है। लेकिन चाचा जी कहाँ रुक गए, अब तक आए क्यों नहीं? आपको कैसे पता वो अब तक नहीं आए, आप तो कब से यही है। हाँ, मैं देख कर आता हूँ कि चाचा जी घर पे आए हैं। अभी जा रहे हैं ना? हाँ,
चाचा जी आ गए हो तो अच्छा है, अगर नहीं आए होंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। टप्पू चाचा जी आ गए क्या? नहीं दादाजी तो अभी तक नहीं आए। अरे लेट हो गए, हो गई गड़बड़। डोंट वरी मैं तंगल, दादाजी भी पहुंचते ही होंगे। लेकिन हुआ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। चाचा जी को आने में लेट हो गया और वरुण कभी भी आता होगा। चाचा जी ने बुरी तरह से फंसा दिया। अगर वरुण और चाचा जी एक ही टाइम पे सोसाइटी में आ गए तो उनका आमना सामना हो गया तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अब्दुल की दुकान पे जाके देखता हूँ, अगर वरुण और चाचा जी एक ही टाइम पर आ गए ना तो चाचा जी को वहीं छुपा दूंगा। मैं चाचा क्या करो बेटे, ऐसे कोई डराता क्या? अरे मैं मस्ती कर रहा था। पूरा दिन बच्चों को बोलते रहते हो कि मस्ती नहीं और खुद बच्चों की तरह मस्ती कर रहे हो। हाँ ठीक है बेटा, सब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? सब ठीक है ना? क्या बताऊं भिड़े, टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे सर पे। क्या हुआ बेटा सर? पर जाने दीजिए ना माधवी भाभी, बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है सुनाने का। हाँ तो शॉर्ट में बता दीजिए ना। हाँ अगर आप नहीं बताएंगे तो दिन भर हम टेंशन में रहेंगे। क्या हुआ पापा सर, तो बता दीजिए ना क्या हुआ? आज सुबह 11 बजे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर मेरे बॉस से और हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट मल्होत्रा साहब के बेटे वरुण से मिलाना था। ओह, और चाचा जी ने बड़े गुरुजी बनने से मना किया होगा? चाचा जी तो मान गए बड़े गुरुजी बनने के लिए। तो फिर क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि चाचा जी सुबह से मंदिर गए और अब तक आए नहीं और वरुण के आने का टाइम हो गया। अरे देवा, और चाचा जी कहीं उसी टाइम आ गए तो? वही तो टेंशन है, इसलिए अब्दुल के दुकान पे जा रहा था। आने नहीं, जाइए जाइए, सोडा पीने से टेंशन दूर हो जाएगा, जाइए। अरे नींबू सोडा पीने नहीं भिड़े, उन दोनों का आमना सामना ना हो इसलिए जा रहा था। नींबू सोडा खाते हैं। ओ अच्छा अच्छा, मेहता साहब आप बोलो तो मैं रुक जाता हूँ, माधवी अकेले जाके डिलीवरी करके आएगी। नहीं, आप गड़बड़ होती है। चला घर ही जाओ यार, गप्पा मारू यार मस्त पैकी गड़ा परिवार विषय। तो ये जाओ, काय लगे बोला जी, गरज नहीं है। अरे बाप रे 11 बज गए, वरुण भी आता ही होगा। हे भगवान, चाचा जी और वरुण का आमना सामना मत करवा देना। मेहता साहब कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे मेहता साहब इसे चक्कर क्यों कर रहे हो, चाचा जी आ जाएंगे। ये तो वरुण की कार है, इसका मतलब वरुण आ गया पर चाचा जी नहीं आए। आज तो बुरा फंसा दिया चाचा जी ने। रुके 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 रुके, बस। हेलो मिस्टर मेहता। हाय वरुण जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, मैं आप ही का वेट कर रहा था। सो नाइस ऑफ यू, चलिए बैठिए। जी जी जी। तो मुझे देख के मैं तो उसने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? चाचा जी वरुण की गाड़ी में? नहीं 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 नहीं, ये पक्का मेरा भ्रम होगा। क्या हुआ मिस्टर मेहता? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो आइए बैठिए। ये तो सच में चाचा जी हैं। क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर मेहता आप इन्हें जानते? आप इन्हें जानते? नहीं। तो ये आपकी गाड़ी में क्या कर रहे? ये मुझे रोड पर मिले। रोड पर? हाँ वो इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ वो हुआ यूं कि ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से एक बाइक आई और मैं तो मुझे हाँ देख रहा होगा यार, रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? ए, ए, चाचा जी
अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं पहुंचना है और कब से रिक्शा नहीं मिल रही थी। तो सामने वो जो खाली रिक्शा दिखी तो मैं बिना देखे रोड क्रॉस करने गया और इससे टकरा गया। मैं टकराया इससे, तो इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जाने दो। तुम जाओ बेटा जाओ। सॉरी, आप जाइए। पक्का चाचा जी, आपको लगा तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, ठीक जाओ तुम, सब लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। पक्का अंकल? हाँ हाँ ठीक। अंकल हाँ, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कहीं पहुँचना है, मुझे देर हो रही है। तो चलिए मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं चला जाऊंगा। अंकल इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप चलिए ना। कहाँ जाना है आपको? वो गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। हाँ तो आइए आइए, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक। ओ थोड़ा ऐसा मोच आ गई है, और कुछ है नहीं। कोई बात नहीं। हेलो अंकल जी, बस दो मिनट में पहुंचने वाला हूँ। अच्छा हमारी तो जान पहचान भी नहीं हो पाई अभी तक। अरे वाह, मतलब वरुण को पता ही नहीं चला है कि ये चाचा जी और ये यहीं रहते हैं, मतलब हमारी पोल नहीं खुली है। मिस्टर मेहता क्या सोच रहे हैं? यही कि आप कितने भले इंसान हैं। थैंक यू। चलिए चलते, चलिए। हाँ चलिए। और यह मैं तो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो लोग आ तो नहीं गए? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो गलती से मेरा हाथ इनके पैर पे लग गया। अरे क्या बोल रहे हैं? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए चलिए चलते। एक काम करता हूँ, चाचा जी को बड़े गुरुजी बोल के यही वरुण से मिला देता हूँ। चाचा जी आप कुछ मत बोलना, आप बस मेरी हाँ में हाँ मिलाना। चाचा जी आइए। हाँ आराम से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वरुण। अरे बड़े गुरुजी से मिलने हैं। क्या हुआ? अंकल अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे नहीं बेटा, मुझे अभी दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। कोई भी गड़बड़ हो इससे पहले चाचा जी को बड़े गुरुजी बोल के वरुण से मिला ही देता हूँ। चाचा जी वो तुझे चिल्लाए क्यों? भाई साहब वो ये रोड क्रॉस कर रहे थे और इतने में अचानक सामने से बाइक वाला आ गया। ओए उस बाइक वाले ने तो मैं छटा ले, कितने हो? वो तो गया। वो तो बाइक का नंबर दो और ढूंढ के उसके इंजन विंजन हिला दूंगा मैं उन्हें छटा ले। ये आपके चाचा जी? ओए सिर्फ मेरे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के चाचा जी हैं। चंपा कलाल जयंती लाल गड़ा। अरे सोडी ने तो पूरे प्लान पे पानी फेंक दिया। ओ जी ये सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी विच नहीं, वो साडे दिल विच रहंदे है। अरे तू कुछ कर, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तोड़ा पैर दुख रहा है तो अभी डॉक्टर हाथी के पास ले चलता हूँ। अरे मुझे हाथी के पास नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। तो ठीक है तो घर ले चलता हूँ। अरे तू छोड़ ना भाई, पूछना भी नहीं लगा है, हाथ मत लगा मुझे, मैं चल के चला जाऊंगा। अरे नहीं मैं तो चलने ही नहीं दूंगा। भाई साहब इनको संभाल कर लेकर। थैंक यू जी। वरुण मेरे गेस्ट है। अच्छा जी तो तुसी अपने गेस्ट का ख्याल रखो, मैं चाचा जी का ख्याल रखता हूँ। मैं जाऊंगा ना, छोड़ मुझे, किसी फिक्र ना करो। हे भगवान अभी तो वरुण को पता चल गया कि चाचा जी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। अभी चाचा जी को बड़े गुरुजी बना के
उसके सामने ला भी नहीं सकता। पता नहीं अब क्या होगा, बॉस को और वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाऊंगा। मिस्टर मेहता जी चले। जी 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 आई 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 वेलकम जी। थैंक यू अंजलि। मुझे बैग दीजिए ना मैम। नो नो इट्स ओके। अरे आप आ गए। ये मुझे जानती है? नहीं। अंजलि ये वरुण जी है। वरुण जी ये मेरी वाइफ अंजलि है, अब जानती है। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। जी बड़े गुरुजी नहीं आए? नहीं, वैसे भी बॉस को आने में 5-10 मिनट है, तब तक आप चाय नाश्ता कर लीजिए, आप दोनों को साथ में मिला दूंगा। नहीं नहीं फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, बस एक बार बड़े गुरुजी से मिलवा दीजिए, क्योंकि 4 बजे मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। गुरुजी से मिलके मुझे सीधा एयरपोर्ट निकलना है। चाय नाश्ता करने में ज्यादा वक्त थोड़ी ना लगेगा। अंजलि अभी आई? मैं भी अभी आया। और मुझे छोड़। अच्छा 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 आप तो छोड़। अरे कुछ नहीं कर रहा है तू। सॉरी मैं तो क्या हुआ था जी। अरे छोड़ दे ओके। क्या हुआ था जी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बच्चों। अरे कब से बोल रहा हूँ छोड़ मुझे छोड़। अच्छा 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 आप तो छोड़। अरे कुछ नहीं कर रहा है तू। सॉरी मैं तो क्या हुआ था जी। अरे छोड़ दे ओके। क्या हुआ यार? क्या हुआ था जी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बच्चों। ओ चाचा जी झूठ कह रहे हैं। चाचा जी तुसी कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मोच आई है, लेकिन इतनी भी मोच नहीं आई है कि मुझे यहाँ तक ऐसे उठा कर लाना पड़े। दादाजी मुझे दिखाइए कहाँ लगी आपको भी। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, हल्की सी मोच आई है, मलम लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। ओ करेक्ट है चाचा जी। ओ टप्पू छेती जाके मलम लिया। अरे उसकी जरूरत नहीं है भाई, तू जाना है मतलब तुझे गैरेज जाना है ना सोरी। हाँ तुझे लेट हो जाएगा, तू जा। हाँ पक्का मैं जाऊं? हाँ जा। सब चंगा है ना? हाँ हाँ एकदम। ये ले क्या? वाह 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 चंगा जी। जा वाहेगुरु रखा। हाँ, हाँ। पुत्र ध्यान रखी। हाँ दादाजी मैं मलम लेकर आता हूँ। अरे इधर आ मलम छोड़, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम हो गया इसलिए तो मलम ला रहे? वो मलम कितने है? गोगी मुझे बोलने देगा बेटा? गोगी दादाजी क्या हुआ? हाँ दादाजी क्या प्रॉब्लम हुआ है? देखो तुम सब लोगों को तो पता ही है कि कुछ समय पहले मैं मैथुस के बॉस से बड़े गुरुजी बन के मिला था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो अब मैथुस के बॉस को बड़े गुरुजी से फिर से मिलना। तो क्या हुआ? मुझे मेरी नौकरी बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से मिलाना ही होगा। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई। चाचा जी के पैर में चोट लग गई। कम से कम जाकर देखकर तो हम कि चाचा जी ठीक हैं या नहीं।
मुझे यहाँ क्यों बुलाए? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वरुण जी के साथ बाहर बैठना चाहिए। मेरा तो हिमालय पे बैठने का टाइम आ गया है। क्यों? चाचा जी नहीं आए? चाचा जी तो आ गए हैं। तो फिर? लेकिन मैं अभी चाचा जी को बड़े गुरु जी बनाकर वरुण से नहीं मिला सकता। तो बॉस के आने के बाद दोनों को एक साथ मिलाओगे ना? हाँ तो ठीक है। उसके बाद भी नहीं मिला सकता। क्यों? अब जब वरुण सोसाइटी में आ रहा था, अब तुम मुझे बताओ वरुण के सामने चाचा जी को बड़े गुरु जी बनाकर बॉस से कैसे मिलाओ? वरुण को तो पता चल जाएगा कि चाचा जी बड़े गुरु जी नहीं, चाचा जी है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसलिए तो कह रहा हूँ हिमालय में जाके बैठने का टाइम आ गया है। मेरा भांडा फूटेगा और मेरी नौकरी जाएगी। नहीं, आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। है ना, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे के सारे डेड हैं। हमारे पास कोई रास्ता है? नहीं। लेकिन मुझे मेरी नौकरी बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से मिलाना ही हो। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई। चाचा जी के पैर में चोट लग गई। कम से कम जाकर देखकर तो हम कि चाचा जी ठीक हैं या नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। तब तक मैं वरुण जी को चाय नाश्ते में उलझा के रखती हूँ। ठीक है। मान लीजिए कि आपने एग्जाम की सारी तैयारी कर रखी है, पूरा का पूरा सिलेबस रट के रखा है, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको पता चलता है कि जो सवाल आया है वो सिलेबस के बाहर का है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। चाचा जी को बड़े गुरु जी बनाकर वरुण और बॉस से मिलाने का प्लान सेट था, लेकिन अब सब कुछ चौपट हो गया। वरुण चाचा जी से मिल चुका है और जान गया है कि चाचा जी गोकुल धाम में रहने वाले चंपक चाचा है। लेकिन मेरे बॉस के लिए चाचा जी अब भी बड़े गुरुजी हैं। समझ नहीं आ रहा है कि चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर उनसे मिलवाऊं कि ना मिलवाऊं। समझ नहीं आ रहा है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का क्या तिकड़म निकालूं, क्योंकि बॉस आते ही होंगे। तो क्या लगता है, बड़े गुरुजी के इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मुझे कोई तिकड़म मिलेगा या मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा? लेकिन आप तो हंसी और ठाकों के चक्रव्यूह में जरूर फंसेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक तरीका है जिससे मेहता अंकल के बॉस को और वरुण जी को दोनों को हम बड़े गुरुजी से मिलवा सकते हैं। कैसे? आपके बॉस के लिए दादाजी बड़े गुरुजी है, राइट? राइट। और वरुण जी के लिए दादाजी चंपक लाल गढ़ा है, जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, राइट? राइट। तो क्यों ना हम दादाजी को बड़े गुरुजी बनाकर अकेले में आपके बॉस से मिलवा दे, जब वरुण जी ना हो। यह तो अच्छा है, लेकिन फिर वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे? इसीलिए हमें किसी और को बड़े गुरुजी बनाकर वरुण जी से मिलवाना होगा। बच्चों, I am ready.
एक तरीका है जिससे मेहता अंकल के बॉस को और वरुण जी को दोनों को हम बड़े गुरुजी से मिलवा सकते हैं। कैसे? आपके बॉस के लिए दादाजी बड़े गुरुजी है, राइट? राइट। और वरुण जी के लिए दादाजी चंपक लाल गढ़ा है जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, राइट? राइट। तो क्यों ना हम दादाजी को बड़े गुरुजी बनाकर अकेले में आपके बॉस से मिलवा दे जब वरुण जी ना हो। यह तो अच्छा है, लेकिन फिर वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे? इसीलिए हमें किसी और को बड़े गुरुजी बनाकर वरुण जी से मिलवाना होगा। बच्चों, आई एम रेडी। चाचा जी, अब मंदिर जाइए, लेकिन अभी मत जाइए, बॉस और वरुण से मिलने के बाद जाइए ना। हाँ चाचा जी, अगर आप चले गए तो बॉस और वरुण से कौन मिलेगा? हाँ। अरे अंजलि बेटा, वो दोनों तो 11 बजे आने वाले हैं, तब तक तो मैं वापस आ जाऊँ। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो? ए मैं तुस, लेट होने की आदत तुझे और तेरे परम मित्र जेठिया को है, समझा? मुझे नहीं। चलो भाई। चाचा जी, चाचा जी गए। किसका फोन है? गला दबाने वाले का फोन आ गया। बॉस का? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं जल्दी आ रहा हूँ? अरे अभी अटकले लगाना छोड़िए और फोन उठाइए। जी जी बॉस। भाई एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इधर भी गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे यहाँ भी गड़बड़ हो गई है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि किधर गड़बड़ हुई है सर? अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल कर दूं? अरे नहीं नहीं यार, शुभ शुभ बोल। बड़े गुरुजी से मीटिंग कैंसिल क्यों करवा रहा है? अभी ने तो कहा कि गड़बड़ हो गई है। अरे भाई गड़बड़ हुई है, पर इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है कि बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जावे। क्या हुआ है बॉस? भाई हुआ ये है कि देखो, पहले मैं वरुण के साथ तुम्हारे घर पे आने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे प्लान में चेंज हो गया। मतलब वरुण जी नहीं आ पा रहे? एक काम करते, बड़े गुरुजी का मीटिंग कैंसिल करते। अरे यार शांति रख यार, वो आ रहा है। देखो ऐसा है कि पहले मैं वरुण को अपने साथ तेरे घर पे लेके आने वाला था, लेकिन अभी मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी वरुण डायरेक्टली होटल से तेरे घर पे अपने आप आएगा। और मुझे छोड़। अच्छा चल। अच्छा आप तो छोड़। कुछ नहीं कर रहा है। तो छोड़िए। तो मैं तो क्या हुआ दादा जी? अरे छोड़िए। ओके क्या हुआ जी? क्या हुआ दादा जी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बच्चों। मुझे मेरी नौकरी बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से मिलाना ही होगा। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई। चाचा जी के पैर में चोट लग गई। कम से कम जाकर देखकर तो हम कि चाचा जी ठीक हैं या नहीं। एक तरीका है जिससे मेहता अंकल के बॉस को और वरुण जी को दोनों को हम बड़े गुरुजी से मिलवा सकते हैं। कैसे? आपके बॉस के लिए दादाजी बड़े गुरुजी है, राइट? राइट। और वरुण जी के लिए दादाजी चंपक लाल गढ़ा है जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, राइट? राइट। तो क्यों ना हम दादाजी को बड़े गुरुजी बनाकर अकेले में आपके बॉस से मिलवा दे जब वरुण जी ना हो। यह तो अच्छा है, लेकिन फिर वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे? इसीलिए हमें किसी और को बड़े गुरुजी बनाकर वरुण जी से मिलवाना होगा। बच्चों, आई एम रेडी।